नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मिडिल ईस्ट की एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें आज हम फलाफल बनाएंगे। फलाफल एक तरह से पकौड़ा ही होता है, जिसको काबुली चने, छोले वाले चने या सफ़ेद चने से बनाया जाता है। इसको वैसे अलग तरह से ब्रेड में रैप करते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ इसकी बहुत आसान रेसिपी शेयर करूँगी। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं इन सब चीज़ों को ऐसे बनाऊँ कि जो कि सामान है वो हमारे घर के आसपास आसानी से मिल जाए। तो आज मैं आपके साथ फलाफल कुलचे सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी, इसको हम घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फलाफल कुलचे सैंडविच। चलिए, फलाफल बनाने के लिए यहाँ मैंने छोटी कटोरी, एक कटोरी मैंने काबुली चना लिया है, सफ़ेद चना या छोले का चना, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगा करके रख दिया था। यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, एक छोटी प्याज ली है जिसको मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, धनिया की पत्ती, यहाँ मैंने 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक अपने स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है जिसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। चलिए, अब हम एक ग्राइंडर जार में चने को डालेंगे। इसको हमें बिना पानी के पीसना है, जिससे कि थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो, क्योंकि चने जब फूल जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी पानी हो जाता है। अब हम इसमें धनिया की पत्ती, प्याज, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और हल्दी डाल करके इसका हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पेस्ट बहुत महीन नहीं होना चाहिए, जो भी हम फलाफल का पेस्ट बनाते हैं वो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। अगर पेस्ट नहीं आपसे पीस रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच पानी मिला सकते हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है अभी, तो इसमें हम बेसन मिला देंगे जो कि बाइंडिंग का काम करता है, और हमें बेसन को भी इस पेस्ट में अच्छी तरह से मिला देना है। बस ये फलाफल का पेस्ट तैयार हो गया है। फलाफल एक तरह से चने की दाल का पकौड़ा ही होता है। ये देखिए, अब हम इसको गोल में या थोड़ा सा लंबे में शेप देते हुए इसको हम डीप फ्राई करेंगे। फलाफल थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसको आप इसको बहुत पतला मत बनाइएगा। देखिए इस तरह से, जैसे हम बड़ा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसके पकौड़े बना करके तैयार कर लेना है, और उलट पलट के हमको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अगर आप, जैसे कि ये फलाफल अगर फट जाता है तो आप इसमें 1/2 चम्मच बेसन की मात्रा और मिला दीजिए, तब ये नहीं फटेगा। लेकिन मैंने जो इतना सामान लिया था उसमें देखिए फलाफल बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो गया है। आज मैं फलाफल को सैंडविच की तरह बनाऊंगी। मेरे पास कुछ कुलचे रखे हुए थे जो कि मटर खत्म हो चुकी थी, और मेरे बेटे को तरह तरह की चीजें खाने का बहुत शौक है, तो आज मैं फलाफल कुलचे सैंडविच बनाऊंगी। उसके लिए चलिए अब हम एक सॉस तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच मेयोनीज लिया है और उसमें करीब हम 2 चम्मच ही क्रीम डाल देंगे। मैं ये सैंडविच घर में ही आसानी से मिलने वाले सामान से बनाऊंगी, और इसमें करीब 1/2 चम्मच हम चिली सॉस डाल देंगे। चिली सॉस डालने से सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर बच्चे छोटे हैं और वो खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, व्हाइट सॉस मेरा बनके तैयार हो गया है। अब हम एक सैंडविच मेकर लेंगे और उसमें हम इस तरह से तेल लगा देंगे। तेल हमें अच्छी तरह से लगा देना है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। अब हम इस तरह से कुलचे को फिट करेंगे इसमें, और जो हमने व्हाइट सॉस बनाया था उसको इस तरह से हम आधे कुलचे पे लगा देंगे। अब हम फलाफल जो बनाया था उसको थोड़ा सा तोड़ते हुए उसको इस तरह से रख देंगे। यहाँ मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ मैंने खीरा लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया, उसको थोड़े लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है, और उसको इस तरह से हम फलाफल के ऊपर सेट कर देंगे। जनरली जो मार्केट में फलाफल मिलता है उसकी सॉस अलग होती है, वो रोटी में रैप की जाती है, लेकिन मैं घर में बचे हुए कुलचे को कैसे एक नई तरीके से बना सकते हैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जो हमने
क्रीम और मेयोनीज का सॉस बनाया था उसको भी इस तरह से थोड़ा सा और लगा देंगे। सॉस की मात्रा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हमें हल्का सा थोड़ा सा कुलचे को फोल्ड करना है। ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा क्योंकि आपको लग रहा है ना कि इसमें कितनी सारी चीजें हमने इसके अंदर भर दी है। अब कुलचे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाते हुए अब हमें इसको सेकना है। सैंडविच मेकर को हम खुला ही रखेंगे थोड़ा सा कि जिससे कि अच्छी तरह से ये सिक जाए। ये देखिए, फलाफल कुलचे सैंडविच बनके तैयार है। ये वाकई बहुत टेस्टी था खाने में, मेरी बेटी को तो बहुत ज्यादा पसंद आया। और मैं इसी तरह से घर में बचे हुए चीजों से नई नई चीजें बनाने की कोशिश करती हूँ और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू।